इसराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हमला शुक्रवार तड़के हुआ है। ईरान के इस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर भी धमाके की आवाजें सामने आई हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह पर चल रहा है। इन धमाकों के बाद कई फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो देखिए, ईरान ने इस हमले के बाद कई प्रांतों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। עכשיו מפגישות עם שרי החוץ של בריטניה וגרמניה. אמש שוחחתי עם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק. בקרוב אני גם משוחח עם מנהיגים נוספים. אני מודה לידידינו על תמיכתם בהגנת ישראל, ואני אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות. אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. برنامه این وعده صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند. और आइए इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिंबल। सिद्धांत, हम देख रहे हैं कि इसराइल और ईरान के बीच युद्ध जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब क्या ईरान की तरफ से कोई जवाब सामने आ सकता है? और साथ ही अपडेट भी दीजिए कि इस हमले में किस तरीके का नुकसान हुआ है और अन्य बाकी जो देश है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट? देखिए, हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। हमने देखा कि कैसे आज सुबह यूएस मीडिया के हवाले से खबरें आई थी कि इसराइल ने स्ट्राइक्स करी हैं ईरान में, और ईरान ने इन रिपोर्ट्स को एक तरफ से नकारा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कुछ ड्रोन अटैक्स हुए थे जिसे ईरान ने न्यूट्रलाइज कर दिया। पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि कैसे एक तरफ से एक मेजर एस्केलेशन बना हुआ है वेस्ट एशियन रीजन में, और भारत के लिए समस्या बड़ी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो एक मेजर एनर्जी सोर्स है वो वेस्ट एशिया में है, और अगर वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है और उससे भारत में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत के काफ़ी लोग भी वहाँ रहते हैं, डायस्पोरा एक बड़ी रहती है वेस्ट एशिया में, करीब 10,000 भारतीय रहते हैं ईरान में और 18,000 भारतीय रहते हैं इसराइल में। इसके अलावा खाड़ी में भी एक बड़ा ग्रुप भारतीयों का रहता है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भारत में काफ़ी कंसर्न है और भारत फोकस करेगा कि कहीं ना कहीं एस्केलेशन ना हो, डायलॉग और डिप्लोमेसी पे फोकस करा जा सके। और इसको लेकर हमने देखा है कि दुनिया भर से भी आवाज़ें अब आ रही हैं कि अब एस्केलेशन नहीं होना चाहिए और अब डी एस्केलेशन पे फोकस होना चाहिए।